योगदान हमेशा रहता है, इसलिए हम लोग जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि तरह का प्रोग्राम स्वागत करें और इतना जोर से कहता हूँ हमारे बीच में मौजूद है और जो भी कार्यक्रम करना हो तुरंत शुरू किया जाएगा। आप शीघ्र क्या कार्यक्रम है आज? आज के दिन जौनपुर में 4 साल पहले बीमारियों को स्थापित किया गया था, यानी कि आज के दिन यहाँ के जिला कक्षा किया गया था, तो उसी के उसमें जौनपुर वासियों ने एक अधिवेशन का आयोजन किया। इसमें जौनपुर के साथ साथ आसपास के मंडलों के लोग उपस्थित थे, जबल पूर्वांचल अधिकतर पूर्वांचल के जिलों के लोग उपस्थित थे। आपके साथ और भी कोई आया बस सिर्फ आप ही आए? नहीं, मेरे साथ हमारे कुलदेव सिंह जी हैं जी, अभी हमारे यहाँ के पूर्वांचल के प्रभारी हैं डॉक्टर पी के सागर साहब। तो इस अधिवेशन के कार्यक्रम में सदस्यता भी दिलवाई जाएगी? बिल्कुल दिलवाई जाएगी। अच्छा, देखिए सदस्यता का तो बीमारी का ये है कि कई अन्याय अत्याचार शोषण होता हो जी, उसके खिलाफ जो व्यक्ति आवाज़ उठाता है वो बीमारी का कार्यकर्ता होता है कहीं पूरे देश के अंदर। सर एक बड़ा सवाल ये है कि PFI एक मुस्लिम संस्था है जिसको बैन कर दिया गया है, और भीम आर्मी को बैन करने की बात कही जा रही है, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए PFI को बैन क्यों किया गया, या तो सरकार इसके एविडेंस दिखा दे, ओपन करे भाई PFI कोई आज से चल रहा संगठन तो नहीं है, हालांकि मुझे PFI के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है, और वो भीम आर्मी को बैन करने की बात कर रहे हैं। देखिए जब आप कलयुग को कलम युग में तब्दील कर दें, कलम युग समझ रहे हैं, जहाँ पर शोषित वंचितों के ऊपर उठने की उम्मीद जाग जाए, जब सब पढ़ने लिखने लगे हैं, महिलाएं समान हो पुरुष समान हो, कोई जाति भेद ना हो, उसको मिटाने के लिए लोग लड़ाई लड़ने लगे, तो ऐसी जो भी संस्था है उनको बंद करने की बात की जाती है। और भीम आर्मी जो है ये कलम युग पर आधारित एक संस्था है जिसकी अपनी बड़ा काम है, पाठशालाओं का बड़ा काम है, जहाँ फूले साहब अम्बेडकर पेरियार तथागत बुद्ध गुरु रैदास संत कबीर गुरु नानक देव गुरु घासीदास दलित सिंह यादव ऐसे महापुरुषों को जहाँ पढ़ाया जाता है वो है, जहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मैं आपके चल के माध्यम से आज जयंती है उनको बधाई पूरे देशवासियों को दूँ, जहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जैसे साथियों को पढ़ाया जाता है जिन्होंने भारत को परमाणु संपन्न किया, तो जब ऐसा होगा तो देखिए वो लोग तो बैठ के मांगते हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या भीम आर्मी किसी पार्टी से गठबंधन करेगी? देखिए भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है, भीम आर्मी का अपना विंग है आजाद समाज पार्टी खासी जो राजनीतिक विंग है, आजाद समाज पार्टी हो या भीम आर्मी हो, हम लोगों में लोकतंत्र स्थापित है, ये निर्णय किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, ये होता पूरी कमेटी का निर्णय, ठीक है, जो भी देश हित में समाज हित में होगा वो जरूर किया जाएगा। देखिए भीम आर्मी की मैंने जैसे पहले बताया कि भीम आर्मी पाठशालाएं मजबूत चल रही है, वो गरीबों के लिए ही है कि गरीब बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूलों में कहीं कहीं 1000 रुपये फीस नहीं दे पाते वो वहाँ 1 घंटा 2 घंटा आकर सीखें, गरीब तबके के लिए, गरीब आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर ना जाने कितनी घटनाएं ऐसी होती हैं जिनकी FIR तक दर्ज नहीं हो पाती। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है? समानता, समृद्धि, सुरक्षा, ये उद्देश्य है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें हैं वो भीम आर्मी का और पार्टी का उद्देश्य है, इस देश का बहुजन किसी भी तरीके से आगे बढ़े,
असमानता महसूस है।